سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہو. جہاں تک یہ آواز پہنچ رہے ہیں آپ لوگ کو میرا پیار پہنچے. تو جہاں سے آپ تک پہنچانا ضروری ہے, خاص کر کے امتنارن کے لیے, تو ہم بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں شری نام اور دنیا کے تمام لوگوں, شری نام کے جتنے سرکار کے ملازم امتنارن, وہ لوگ کو ان سپٹمبر, جو سپٹمبر مہینہ آ رہا ہے, وہ لوگ کو لوئس فرہوخنگ ملنے والا ہے. لوئس فرہوخنگ امتنارن سیالو کے بستور شری نام کے سرکاری کرمچاریوں, سرکاری ملازم, ان لوگوں کے لیے 111% لوئس فرہوخنگ کے مانگ کی. ان سپٹمبر سے شری نام کا رخیرنگ امتنارن کو لون آن پاسنگ دینے کو جا رہا ہے. جتنے امتنارن 500 کوپ کرک فرسٹرکیں جن لوگ کو دیا جاتا تھا, ان سپٹمبر سے وہ کوپ کرک فرسٹرکیں وہ 500 الگ نہیں بلکہ وہ تنخواہ میں جوڑ دیا جائے گا. لوگ بولتے ہیں انکورپوریٹ. 1 سپٹمبر سے, 1 سپٹمبر سے کوپ کرک فرسٹرکیں جو 500 الگ آپ کو ملتا تھا, اب وہ 500 الگ نہیں ملے گا. آپ کا تنخواہ 500 سے بڑھ جائے گا. جب 500 اس پر پہنچ جائے گا جو پرانا تنخواہ آپ کے ہے, تو اوپر 25% کے فرہوخنگ آپ کو اور ملے گا. ہم آپ کو ایک ادھارن کہیں گے, ایک فور بیلٹ. جیسے کہ آج آپ کا تنخواہ, جو تنخواہ آج آپ کو جو دی جاتی ہے, مان لیا جائے آج کے آپ کے تنخواہ ہے زیف ہونڈ اختن تختخ, اتنا پیسہ اگر آپ کو ملتا ہوگا مہینہ میں, دس بریٹو آؤٹ سیف اختن تختخ. جب 500 اب اس سیف اختن تختخ میں جوڑتے کر دیا جائے گا, دس بریٹو نا انکورپورات سی 500, تو ہو جائے گا 13.94%. پھر بریٹو نا 55% کوریکسی, تو ہوگا 17.23%. تو اب نیٹو نیو آپ کو ملے گا 14.25%. آپ سمجھ گئے؟ تو جو سیف اختن تختخ جن لوگ کو ملتا تھا, سپٹمبر سے آپ کو ملے گا 14.25%. آج بریتو آپ کو ملتا ہے 1488, سپٹمبر سے آپ کو بریتو ملے گا 1,426.45. بھیا یہ تو تالیاں بجاوے کے بات ہے, ایک تو خوشحالی کے بات ہے. تو 500 اب آپ لوگ کو کوپ کرک فرسٹرکنگ نہیں دی جائے گی. یہ کوپ کرک فرسٹرکنگ اس میں جوڑ دیا جائے گا بزول دخیگ میں. تو اور جب بزول دخیگ 500 اس پر جوڑتی ہو جائے گا, تو اوپر سلارس پر ہوکنگ 25% رہے گا. تو امتنال لوگ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, کیونکہ اتنی سالوں کے بعد اب آپ لوگ کی فرہوخنگ مل رہا ہے. جس امتنارن کریخن رنزن, امتنارن کریخن پیار این سپٹمبر دخفراخ دخ لونس فرہوخنگ
111%। तो आमतनार लोग को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई बहनों, जब ये आमतनार लोग को 500 जो आज कोकरा फर्स्टर्के है, अगर आमतनार लोग को वो 500 तनख्वाह जो हो जाएगा बजौल्द खेम, तो यहां पर खबर हम अब देने के लिए जा रहा हूं और वो है खपेंशनेर्दन के लिए। खपेंशनेर्दन जिनों को जो आमतनार जो पेंशन से है, पेंशन से, तो आप तो जानत है भैया, दिस आउस एर जैसे एक्टिव दीस में अभी तक जनता है, तो उन लोगों को 300 तक एसआरडी दिया गया। अब 500 के बाद जो है अगर ये लोन में चला जाएगा तो पेंशनेर्दन को भी ये फायदा होगा। ओवरहेड कॉम मांडलक्स मैट 30 मिलियन एसआरडी फॉर 8 बटालियन पेंशनन। प्यारे लोग, तो आमतनार के लिए फायदा हुआ और पेंशनेर्दन के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि इन सितंबर में आमतनार लोग को यह फरोख दिया जाता है 500 पैसा जो कोप करा फर्स्टर्किंग वो भर्ती हो जाएगा बजौल्द खेम में, और 25% और आएगा। तो समझ जाओ कि पेंशनेर्दन को जो बजौल्द खेम आमतनार का है उस बजौल्द खेम के हिसाब से पेंशनेर्दन को पेंशन भी दिया जाएगी। तालियां तालियां बजाने के बाद है बप्पा है? अरे क्यों चुपचाप बैठा है लोग? ये इतनी खुशी बात हम आपको समझाए हैं कि हम चनार लोग को तनख्वाह बढ़ेगा और पेंशनेर्दन को मिलेगा, तो ये तो तालियां बजाए की बात है, समझे ना? तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि खाली एक बात याद रखियो कि ये बात चिनुआ लोग के कान में मत पहुंचे। ये बात अगर चिनुआ के कान में पहुंच गए तो तू ना इसी के भय लो ना ऐसी के भय लो, दोनी वाला चीज 25 हो जाएगा, 25 वाला 50 हो जाएगा। तो तू ना घर के भय लो ना घाट के भय लो, काका है नहीं सब बात। ये भैया विंकल्स अल्बिना खसलोटन तोत नादर ऑर्डन, विंकलिस अल्बिना कल से दुकान वगैरह बंद है। 2 दिन पहले एक पंप स्टेशन और एक दुकान में डाकुओं ने घुस करके पहले बड़ा पिटाई पीटी लोगों को, उसके बाद सब लूट करके वहां से भाग गए हैं। इसलिए अल्बिना के सभी दुकान इस वक्त बंद है, इस वक्त बंद है। ये बहुत अफसोस की बात है कि क्रिमिनलिटी बढ़ते जा रहा है। प्यारे लोग, जब दुकानदार पंप स्टेशन डाकुओं ने घुस करके लोग को मार मार करके सब पैसा लूटे हुए है, ये कैसे हो सकता है? दुकान वालों ने पंप स्टेशन ये पैसा अपने कमकर्ता के लिए, खुद अपने पेट भरने के लिए ये लोग काम करते हैं, लुटेरा लोग आकर के और लूट लूट करके वहां से चला जाता है। प्यारे लोग, फ्रेडी डानियल्स जो कमिसारस है वो अभी तक इसके सिलसिले में कोई बयान नहीं दे सका है कि दुकान बंद है तो वो क्या करेगा, वहां के देशी है ना।
सूरीनाम में कुछ दिनों से दो परानी के बारे में बहुत से बात चर्चा हो रहा है, एक का नाम शफीक बेई और एक के नाम है वर्षा बेई। इन दोनों पर इल्जाम है, इन दोनों पर इल्जाम है कि ये दोनों एक 5 महीना का बेबी रिले बेई लड़का की जो नाम था, ये दोनों ने उस बेबी को मिसहैंडल किया। मिसहैंडल करने के बाद ये बेबी का मौत हो गया। रेडियोलॉग के खबर जो हम लोग को कल से मिला है, रेडियोलॉग के कहना है कि यह लड़का जो सेकंड हैंड में लाया गया, तो इस बच्ची के हेयर सिनन में खून मौजूद था, ब्लूडिंग इन द हेयर सिनन। इस बच्ची को, 5 साल के बच्ची के हेयर सिनन में खून पाया गया। और आप तो जानते हैं इस बच्ची को बहुत, ये बच्चा बहुत से मार खाई से। रेडियोलॉग का कहना है कि 2 मरतबा इस बेबी को या 5 साल के लड़का को जिक्र है इसमें लाया गया है। अक्टूबर में जब आया है, फोटो बनाया गया तो उनका पांव टूटा था, डेन फॉर द बेबी। फरवरी में फिर से बच्चा को लाया गया तो फिर से कहीं हाथ उनका टूटा था। प्यारे लोग, ये लड़का चल नहीं सकता था और इस लड़का का मौत हो गया। इंसान दोस्त खसलाकन बेबी रेडियोलॉग कॉन्स्टेट केंद्र में हैंडलिंग। शफीक बेई अभी तक जेल में है, शफीक बेई अभी तक जेल में है और वर्षा को इस वक्त कुछ दिनों के लिए छोड़ दी गई है, रिहाई कर दी गई है। लेकिन 5 नवंबर को यह मुकदमा फिर जज के सामने पेश होगी और फिर जज जा करके इस मुकदमा में फैसला सुनाने वाले हैं। यह बड़ी अफसोस की बात है कि 2 परानियों के ऊपर इल्जाम है कि एक लड़का को मार मार करके उनको उनका प्राण ले लिया है। भाई बहनों, ये बड़ी अफसोस की बात है बाप, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये समस्या अंधसुख हो रहा है। प्यारे लोग, जनता, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, स्कूल के लड़कों को डिप्लोमा देने मिले लगा है। जो पास में है डिप्लोमा, जो दूसरा स्कूल गए है तो उनको भी रिपोर्ट मिलता है। मतलब कि बच्चों को रिपोर्ट इस वक्त दिया जाता है। काफी बच्चन सलाह हुए हैं और ये खुशी की बात है। और जो लड़कन सलाह ना हुए हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए अगले साल। एक मकान योहान आदोलो पेंगल स्ट्राट वानिका स्ट्राट में एक मकान में कल आग लगा और जल करके भस्म हो गया, जल करके भस्म हो गया। जब ब्रांटवेयर के कहना है कि इस मकान में आग लगाया गया है, फर बुजलक ब्रांड स्टिफ्टिंग। प्यारे लोग, झोरा के मौसम धीरे धीरे झोरा आने लगा है। हालांकि शाम को तो दनादन बारिश होता सूरीनाम में, लेकिन सुबह के वक्त में घाम वगैरह, तो तनी आप होशियार से रहियो और आग से खिलवाड़ मत करना। तो वानी का स्ट्राट में ये मकान जल गया है और लोग ने सोच रहा है कि इसमें आग लगाया गया है। एरखेडी अर्चन को एंड फंड मांच पीजेएस एंड आसपास के पैसा दिया जाएगी। ये लोग भी एक बारी उदास था
और 15 अगस्त तक मोहलत दी थी रीजनल आरक्षण। अब ये लोग को खबर मिल चुका है कि आप लोग को एंड फ्रॉम द मंथ आप लोग को पैसा मिलने वाले है, डॉक्टर की बात है। पुलिसिया अल्बिना जहां पर लोग लूटमार किए हैं, दुकान में लूटमार किए हैं, सर्विस स्टेशन को लूटे हैं, पुलिसिया अल्बिना दो डाकुओं को गिरफ्तार किया है, दो डाकुओं को गिरफ्तार किए, लोग पांच दुकान को उखाड़ करके सामान चोरी किए हैं। प्यारे प्यारे लोग, इन दोनों को सिपाही बंद की है। आगे अब मुकदमा उन्नसुक होगा कि और कितना लोग है जो इस डाकुओं को सहायता दिया है। रे काका, पॉलिटिक पार्टी वालों ने हिंचातानी तिहिंचातानी होने लगा है। जो पॉलिटिक पार्टी अब सामने नहीं आएगा वो 2020 में अकेले ही बच जाएगा पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि हर एक पार्टी को रोजाना सामने आकर के और अपना पार्टी के बारे में, जनता के बारे में वो क्या करेगा शुरू कर देना चाहिए। जो पार्टी आज चुपचाप बैठा है अगर साल के दिसंबर के बाद शुरू करेगा तो बेहतर वो न करे कुछ। पार्टी को अब शुरू करे चाहिए, क्योंकि जनता अब जानना चाहते हैं कि एक पार्टी क्या करेगा देश के लिए। इसलिए ब्रीफ आउट द पार्टी फॉर डेमोक्रेसी एंड ऑन ट्विटरिंग इन है डू, अपना बागडोर, अपना पार्टी के बागडोर मंगल के रात्रि को स्टीफन अल्फासी के हवाले कर दिया। वो नया फोर्सेटर है, ब्रीफ आउट अब फोर्सेटर डू का नहीं है। वो तुरंत जब ये मांग की है जनता तो स्टीफन अल्फासी के हवाले ये बागडोर कर दिया है। आने वाले दिनों में हर एक पॉलिटिक पार्टी को चाहिए अपना आवाज उठाने के लिए, और जो पॉलिटिक पार्टी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, अगर आपके पास 1% पूरा जनता के, जनता आपके पास न रहेगा 1%, तो बेहतर आप चुनाव में भाग मत लो। एक स्कूल का डायरेक्टर, डायरेक्टरी से लोग कहते डायरेक्टर, जॉयस फेई, मिडिल बार स्कूल का डायरेक्टर जॉयस फेई, इस पर इल्जाम है कि ये डाकाधारी से स्कूल में स्कूल के पैसा लूटी हुई है। चेक लीक लीक करके चेक जितने रहा पैसा सब निकाल करके और खर्चा खुद की है, अपने खर्चा, पर्सनल खर्चा। जॉयस फेई डायरेक्टर फॉर मिडलबार स्कूल दी फरदास्ट वर्ड फॉर फरदास्टिंग फॉर हेल्प फॉर द स्कूल 18-20 November को जज के सामने इनको आना पड़ेगा। और आकर के, क्योंकि ऑफिशियल फॉर यूस्टिस 12 महीने का फॉरवर्ड लग सजा मांग की है, और जॉयस को चाहिए 33,815 स्कूल के कास में ये पैसा फिर स्टोर करने के लिए 33,815 इतना पैसा ये डायरेक्टर निकाल करके और खर्चा किए है। प्यारे प्यारे लोग, जॉयस फेई को 18-20 November को जज के सामने खड़े हो करके न खिखियाए खातिन, लेकिन बोलने के लिए कि पैसा कैसे भरी 33,815 बड़ी गजब गजब के बात है काका। देखो पैसा वो चीज है, पैसा इंसान का दिमाग को उल्टा पुल्टा कर देता है। हर एक चीज दे दो इंसान को, मिठाई दे दो, खाना केक, ये खाना वो खाना, ये पीने के लिए,
लेकिन जैसे करे हाथ में पैसा रख दे रे काका, ओकर दिमाग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दिमाग ऊपर से फरोशी होकर के नीचे चला आवे है, तो ही वही जाके सब बात बिगड़ जाए। जहां दिमाग फरोशी भर नीचे, बस उना जाने की अब पैसा का करी, बस पैसा खाई पी करके, कोई दारू पी पी करके पदर करत है, कोई बेल्ट फ्रॉ रख करके बेल्ट, कोई बेल्ट मान और कोई इधर उधर के खंडा। अरे तो क्या कहा बताए, अब देखो स्कूल हो क्या किया, दिन जाते दिन जाते स्कूल के पैसा, ये पैसा खुद अपने लिए इस्तेमाल की है। फिरोज खान एस, इन पर इल्जाम है कि ट्वेंटी फेयर तक दर्जन 400 ग्राम कोक एक कंटेनर में, एक कंटेनर जो कंटेनर में कुछ और कुछ लस उस कर करके, और ये कंटेनर में ये स्मगल करने वाला था। पहले एक कामकर्ता के नाम लिया, लेकिन फिरोज खान एस डी फरदाख्त वर्थ फॉर द स्मगल फ्रॉम 24 ग्राम कोक ब्लेव आन होहोडन रखते सेंटिया फॉल्स्टेन मोंटनर, जिनके सामने ये गुजारिश आई कि फिरोज खान को छोड़ दिया जाए। फॉल्स्टेन बोले नहीं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्यारे प्यारे लोग, अब ये आदमी को जहां तक पता है ये काफी बीमार है भी, फिरोज खान, इनको सीकंड हाउस में जाना है, लेकिन देखो रेस्टर कौन फैसला लेती है। केरपलानी में भी भैया डाका लोग डर रहे हैं, केरपलानी में बड़का दुकान केरपलानी, जुवेल खे गिरफ्तार हुआ, डी माइकल गिरफ्तार हुआ, एफ क्लिफ्टन गिरफ्तार हुआ, अंजलो एम, अनिल एन, आइवन डे, इन सब लोग गिरफ्तार हुआ। इन सब पर इल्जाम है, शक है कि यही लोग जाकर के डाका गाड़ी से दुकान में, क्योंकि जुवेल के बारे में यह बात आया सामने कि चोरी करने के बाद, केरपलानी के चोरी करने के बाद ढेर बोझा बोझा पैसा ये अपने फ्रेंडेन को जाकर के दी है। फ्रेंडेन ओ कोखते ऑफ नाम फांसे बेल्टन फ्रो एन ऑटो ऑन दैट है हिंद्रे बेसी, तो से एगो फ्रेंडेन है वो के बोझा बोझा पैसा दे इसे, बेल्टन फ्रो को गाड़ी किन के दे इसे, क्योंकि खुद ये गाड़ी चलाता नहीं है, इन्हें रेबवेज नहीं है। जुवेल इनकार कर रहा, बोले हम केरपलानी में चोरी ना कर ली, बोले हम दृश्य बेचीला और दृश्य बेच बेच करके अपने बेल्ट फ्राउ के लिए हमें गाड़ी खरीदी है। लेकिन कामरा में, कामरा जो केरपलानी, वो सब बात लोग ने उस पर देखे हैं कि कैसे कैसे लोग भीतर घुसा और क्या क्या माजरा किया। 5 नवंबर को केरपलानी के मुकदमा जज के सामने फैलाई जा रही है, जो जज वहां फैसला लेने वाली है। एडवेस्टिव फॉर द स्टूडी नाम से पुलिसी बॉन्ड आज अपने लीजन को पूरा संदेशा देंगे, जो रखियरिंग से ये लोग ने बातचीत की है। रफील नीलो एक वोट फॉर द फन पुलिसी बॉन्ड, बोले हम लोग आलखमी नीलो फॉर खादरिंग, जो बात जो चीज जैसे हुआ और आज हमें सब बात जाकर के बताना है फीसों के बारे में, क्योंकि लोग फीसों में रहना नहीं चाहते हैं, बोले फीसो एस फीस, और इसीलिए लोग निकल करके भागना चाहता है। प्यारे प्यारे जनता, एक हंसू का आदमी कमवेन के, एक 6 साल के लड़की और एक 11 साल के, इन दोनों को बारी बारी बलात्कार किया है।
periode 1 januari 17 se 7 januari dit jaar komen wij naar mee. Jahan tak pata ye aaja hai in dono larkan ke officer is muqadma mein 5 saal ki saza is aadmi bulwa ke liye mang ki hai lekin ye muqadma abhi under sukh ho raha hai kyunki kuch gawah ke bhi zaruri hai jo aakar ke गवाह देंगे कोर्ट में तब कहीं जाकर के रेक्टर फैसला लेंगे प्यारे लोग ये इल्जाम जिस तरह से है कि आजा के नाम पर कि दो बच्चे को बलात्कार की है एक शर्म करने वाला बात है हमने कितना बात बताई ला मोर खराब होने वाला बात ये है खैर रेक्टर खुद फैसला लेने वाला है कोरोनी में इस वक्त ब्रांडवे कजर्न मरम्मत किया गया है बहुत से टूटा फूटा यहां वहां तो अब जाकर के मिनिस्टर जो बैठा स्टुअर्ट खतरो एक देवखासी परमारिबो के साथ यहां से भेजे हैं वहां देखने के लिए और देखने के बाद जो जरूरी था वहां पर कजर्न में वहां पर किया गया है द ब्रांडवेल इज द मिनिस्टर एंड सेन टीम दंगबार मार विल ओक द बॉन्ड बडंकन फॉर से इनसेट दैट एन न्यू वेरांडरिंग इज gebracht इन द सिचुएशन ये ब्रांडवेल कजर्न कोरोनी में इनका मरम्मत की गई है रेनोवेशन की गई है हमारे भैया लोग मिनिस्टर शांग जो बैठा हुआ है हैंड इंडस्ट्री के कुर्सी पर इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा भाई इस मिनिस्टर को बहुत काम कि ताकि टूरिस्टन आवे सुरीनाम में बहुत से काम इस मिनिस्टर से करना चाहिए ताकि देश के अंदर में टूरिस्टन आवे और टूरिस्टन जब आवे यहां ना भाइयों तो उन्हें बस खैरमें भी दिया जाए पुलिस को और मिनिस्टर हैंड इंडस्ट्री को चाहिए इसके बारे में बातचीत करने के लिए ठीक रूप में बातचीत करने के लिए ना आधा आधा बात एक आदमी इसका नाम है बॉर्न आल्सपेयर ये लिफोनो के पुलिसी पोस्ट पर इसे पूछताछ सिपाही कर रहा था सिपाही शक किया कि ये आदमी कहीं चोरी की है बॉर्न आल्सपेयर हैं साहब ऑफ सोंडा 5 अगस्तस zijn kans gewoon om uit de wacht van de politie te ontvluchten. Bhaag. Bhaag, bhaiya, biroze. Aur abhi tak sipahi unka talash kar raha hai. Samjhe na? Hum aage chal karke, bhai behno, ek संदेशा मैं आपको देने जा रहा हूं क्रिमिनेलन गवापंत मेट रोवर ओवरफाल क्लिनिक अब देख कौन कौन तमाशा तुम्हारे देशवा में काकी देख क्या है तुम्हारे देश के अंदर में पुलिस का केस फ्लैट उन्हें खबर मिला कि एक क्लिनिक आंद एक्सेप्ट लीनस्ट्रैट दो डाकू एक के हाथ में कटलीस पंजा करके कटलीस लोहा के छड़ी और ये लोग ने और कटलीस लेकर के घुसा क्लिनिक में 4600 नगद पैसा एक लैपटॉप मोबाइल टेलीफोन
Bali, medewerkster, ke pas 500 wo chin liya, mobil telefon chin liya. Teen go klanten, dri grahak, usi samay waha maujood the. Ulo ka pakit mein haath dar dar karke sab saman chin liya. Phir ek brofis pa kood ke baithe, aur Arcton Street se भागते भागते नियोन स्ट्राट की तरफ भाग गया. ये जाकर के क्लिनिक में चोरी की है, लूटमार कर रहे हैं. हमारे सूरीनाम की जनता, क्या हो रहा है तुम्हारे देश में काका? क्लिनिक में भैया कटली से लेकर के सब सोचे ये कोनो दतरा उपरासी करे इस कटली से लेकर के, लेकिन चोर रहा चोर. सामान चोरी करके लूट करके वहां से भाग निकला है. मंगल के रात्रि को, मंगल बुध के रात्रि को पुलिस सेंटर उन्हें खबर मिला. आज वाटर कान अन फ्रो दो अनमान बद्रेस्ट वैट. जब वहां पर सिपाही पहुंचा तो पता चला कि एक औरत एल थी, उनका एक्स फ्रेंड एल ए जो वहां आसपास में था, उन्हें धमकी दी कि तोरी काट के रखे फेंक कर दे बैठी जाने चीज हुआ कैसे काका, समझे ना. बस ये औरत क्या बोले, यही आदमी है जो हमें धमकी दी कि हमें काट के फेंक देगा. बस जब गए सिपाही ओके वो आदमी के अंदर सुक करने लगा, जेबी में हाथ सब सब, तो एक टस एक जबरदस्त छुरा जिसे कुत्ता बिल्ली और गाय वगैरह लोग काटते हैं, अब खसी. और साथ ही साथ इनका फ्रेंड के पास, एक्स फ्रेंड के पास एक्सटेसी टैबलेटन एंड फ्रेंड वेकर मरवाना गाजा और कुछ सामान उनके साथ पास रहा. सिपाही इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके और ले जा करके बंद की है. हमें खबर मिला है कि पंडित एर शिवरतन स्कूल इंदिरा गांधी वे जहां जहां लगभग संगीत माला भैया, वहां के स्कूल के बच्चे सिर्फ ने नीख तक 3% सलाख दे रहे हैं. सिर्फ ने नीख पे 3 सभी लड़कन फेलिसिटेट लड़कन, बधाई मुबारक हो. अच्छा लगे जब लड़का ने इसे पढ़े ना बेटा. ऐसे अलेक्सेंडर आ स्विच होल लिफोर्नो 80.4% स्लाव है लड़कन फेलिसिटेट फॉर स्कूल हो पीरे छांगूर बोले लेर क्राफ्ट ने बड़ी मेहनत किया, लड़कों को पढ़ाया है. तो वीरेश छांगूर और सब लड़कन खूब खूब ज्यादा ज्यादा सेफ पर इनको मिला है, ये लोग हासिल किए हैं. तो बहुत से बहुत मुबारक हो. हजारन बांटी कमिश्नर स्वेटन वेफ के एक कंडाल में कोई ले जाकर के फेंक करके भाग गया. पंडित सुखनंदन कहता है कि जहां बयादत है उसे वही के आसपास में ये चुप्पे से फेंक करके भाग गया है. अरे भैया ये सब बांती के फेंके होंगे, जहां बांधन रही पड़ा तोर है ना, तो वो तो सिपाही जाकर के उन्हें सुख करेगा. ये बड़ा गड़बड़ बात है द? तो ये ना अच्छा चीज है, क्योंकि आप लोग वानिका के जो कमिश्नर है श्रवण कुमार रमई को और काम दे दे है और बोझा उनकी सर पर उतार दिए आप लोग. प्यारे लोग ये सब बांती जो ऐखनार फेंकी से उन्हें चाहिए कमकर्ता के लेकर के उस सब बांती उठाने के लिए. और अगर ये वो ना किया एक दो दिन के अंदर तो जनता को चाहिए कमिश्नर या पुलिस तक खबर पहुंचाने के लिए कि कौन सा आदमी बांती फेंकी से वहां, ताकि उन्हें 40-50 हजार डांड भरे और 40-50 रोज जाकर के जेल में काटे, तब एक दिमाग कमाई.
ऐसे इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक ब्रोफिचर का मौत हो गया है। हमारे भैया लोग, ये पुलिस चीफ मेयर सड़क की तरफ से खबर मिला है, एक मोटर गाड़ी और एक ब्रोफिस दोनों में टकराया है। ब्रोफिचर ज्यादा घायल हुआ, जब उन्हें उठा करके सिकंद हैश की तरफ लाना पड़ा तो उनका मृत्यु हो गई है। बहुत दुख के संदेशा एक आदमी का मौत हुआ। 15 अगस्त को फेल्चिन ऑफिस को एक ब्रोफिचर को मौत हो गया। ये है इलाका कम वेन में, ये आर आई के द्वारा हुआ है। एक प्रत्यय जिसका नाम स्त्री, और स्त्री के मुखिया जो है वो एक मुकदमा चलाना चाहते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियल के ऊपर, श्रीमान चंद्रिका प्रसाद संतोखी। वो भी इस समस्या को ध्यान से पढ़े हैं और कहा कि मामला जो खोजबीन हुआ है 2016 में स्टार्ट सूरीनाम और उधार कर्जा लिया था। आंखान स्टार्ट डन है ब्यूरो फॉर स्टार्ट शोल्ड हेव आंखीफन इन प्लास फ्रॉम 60 लेनिंगन constateerde de organisatie 27 leningen. Pyari log, Santokhi is baat se sehmat hai aur chahte hai ki stay ke jo forfeiture hai, agar ye mukadma ye nalish karna chahte prokhin rao ke paas to unko karna chahiye. Ye acha baat hai ki चोरी चपाटी और झूठ वगैरह इंसान को अब बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के लोग और सभी जहां जहां आवाज पहुंच रहा है प्यारे लोग ना, बाप रे बाप, कितना चोर। फिर पता चला कि एक फेचिन ऑफिस को एसडीआई और एरफी ये दो गिरफ्तार हुआ है। ये कैसे स्त्रात में, यहां एक हाउस है, वहां पर टेलीफोन छीन करके ये लोग भागने की कोशिश किया। ये जगह फोन डिफन इन द क्राखफाट, ये लोग गिरफ्तार हो गया है। एक जर्नलिस्ट रोबिन फ्रैंकलिन रिचर्ड रोसारियो, बहुत जमाना ये रापर का जर्नलिस्ट था, जवाहरत टैग में भी और इन दिनों में भी, या कुछ साल पहले सेंट्रल बैंक में भी ये काम करता था, वहां पर भी जर्नलिस्ट के काम किए हैं। रोबिन फ्रैंकलिन रिचर्ड रोसारियो, सब लोग इनको रोसारियो के नाम से जानते थे। रोसारियो का मृत्यु हो गई है। रोसारियो इनका बैठक है द साकल में, पर इसी हस्तरात में 16 अगस्त आज कहिए, और शुक्रवार 17 तारीख को डॉक्टर सूफी रेडमोस्ट्रात अल्खमीन क्रीमाटोरियम में इनका दाह संस्कार की जाएगी। रोसारियो रापार का जर्नलिस्ट, इसलिए रापार का डायरेक्शन और पैरसोरेल परिवार रोसारियो को शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जनता जहां तक आवास जा रहा है भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे करके बहुत से सामान, बहुत से समस्या है बोलने के लिए ना। और मैं ये बात भी बोलने के जा रहा हूं कि एक बच्ची जो पास हुई स्कूल में ना, तो उसका मुबारकबाद मुझको भी देना है। वो है कल्पू जयंती शिरोमणि देवी, 22 साल की उम्र में ये बच्ची मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी में। तो इनका बप्पा और मैया के नाम गीता मनी सिंह और महेंद्र घिसाई दुबे, भाई है जयंत कुमार कल्पू, और खुद और शिवराज सिंह मनी सिंह
और चित्रावती मनी सिंह रघुनाथ बावसे परिवार इस बच्ची को जयंती जयंती शिरोमणि देवी कल्पू को बधाई दिया है। रापर भी आपको भाव से बहुत बधाई दे रही है, क्योंकि जब तक ये डिप्लोमा आपके पास है आपके लिए दरवाजा खुला रहेगा, याद रखिए ये बात से, समझे ना। और ऐसे ऐसे करके मैं सभी जनताओं को बहुत से बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं जिनकी बच्ची बच्चे लड़के वगैरह स्कूल में पास हुए हैं। सब लड़कन जो स्कूल में पास हुए हैं मुबारक हो, लेकिन जो लड़कन बक हो गए हैं या आपको हर एग्जाम मिला है तो हंसी खुशी से आपको एग्जाम में भर्ती होना चाहिए और हंसी खुशी से अगले साल फिर से एक मर्तबा कोशिश करो। लेकिन लड़कन आपके बुद्धि जो है, हम आपके बुद्धि पर फखर करते हैं, क्योंकि अगर मुझे आज पता चला कि सरनाम के लड़का और लड़कियां बड़ी पढ़ाई पढ़े हैं और इतना पढ़ाई पढ़े हैं कि वो लोग बड़का बड़का शरीफर्स हासिल करते हैं। अभी आज मैंने देखा एक बच्ची, एक जाबी बच्ची है, उसका नाम कहां पर मुझे पता था, नूरजानी स्पांस टीम रिकने नहीं कर ताल नहीं, ये सब बात सुन सुन करके और हम लोग के दिमाग और हम लोग के करीजा फखर से बड़ा हो जाते हैं। ऐसे कितने हिंदुस्तानी लड़का लड़कियां जो नीख 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 सबरा पौर पलाए हैं, ये तो खुशहाली की बात है। इसलिए लड़कन, सब लड़कन को, सब माँ बाप को हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो लड़कन के पास डिप्लोमा नहीं है वो बहुत पछताएंगे। तो पढ़ो, डिप्लोमा हासिल करो, अच्छे से नौकरी की तलाश करो और ओकरे बाद में बप्पा मैया से कहो कि बप्पा हमें एक फ्रेंडेन है या बप्पा हमें एक फ्रेंड है, हमारा विवाह करवा दो। ना चुप्पे चुप्पे घर से निकल करके पिछवाड़े जाइयो लौंडा के भेंट करे या छोरी को भेंट करे, बप्पा मैया से कहो तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाने के नहीं रहेगा। तो लड़का लड़कियों, पढ़ने के बाद अगर तो शादी करना चाहते हैं तो अपने बाप और मां से उसके बारे में जिक्र करो, जिक्र करो। और दूसरा बात है, आखिरी में कहेंगे कि ये तो न पास भेद है तो कोई ऐसा गलत काम नहीं उठाना, कुछ ऐसा गलत चीज मत करना। हिम्मत लेकर के जाइए मैया, मैया हमें चार को फिर आई से हम बाक हो गए लिए, लेकिन हमारे कसूर से है, हम तनी कमती फिल्म देखब, कमती ड्रामा देखब, कमती निंदा सुनब और हम अब सीखो मोई से पढ़ब तो के मैया फिर एक मौका बनाए देगा। लेकिन जो बच्ची लोग गलत काम करके और दुनिया से जाना चाहते हैं, धमकी देते हैं, कभी ये गलती काम मत करना बच्ची लोग, न लड़की और न लड़का, इतना बात अपने दिमाग में रख लो, कोई ऐसा गलती काम मत करना जिसे तुम्हारा बाप और माई को दुख हो देश में। अच्छा से रहियो, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।